हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? काफ़ी दिनों बाद मैं आज यूट्यूब पे अपनी वीडियो बना रहा हूँ। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, और आपको फिर जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, उसके लिए बेल आइकन भी आप दबाएँ। दोस्तों, आज का ब्लॉग अभी मैं नाइट के टाइम पर जो है बना रहा हूँ, और अभी मैं ही अपने ही घर पे हूँ, अपने कमरे में हूँ। दोस्तों, ये है मेरी वाइफ जो काफ़ी खुश नज़र आ रही है आज। अक्सर तो इनके मुंह पर गुस्सा देखता रहता हूँ मैं, मुंह फुलाया रहता है इन्होंने, बट आज ये काफ़ी हैप्पी हैप्पी नज़र आ रही है। क्या बात है, क्यों खुश हो आज? कोई स्पेशल रीजन? ओहो, आज ये एक बर्थडे में गए थे ना, वहाँ कीर्तन भजन था, थोड़ा नाच गाना किया होगा, इसलिए काफ़ी हैप्पी हैप्पी नज़र आ रही है। तो खाना बन गया? अच्छा, बना रहे हैं खाना। ये किचन है दोस्तों, और किचन में यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है। ये सब्जी रखी हुई है और रोटी आई थिंक बना दी है। तो मेरी वाइफ कह रही है कि आज मैंने ये किया, ये देखो दोस्तों, ये रील्स बनाई इन्होंने, और कब इसको अपलोड कर दिया मेरे साथ पता भी नहीं चला, इसीलिए खुश हैं। बल मेरे साथ रील्स बनाई, चलो अच्छी बात है यार, मेरे साथ रील्स बनाई तो अच्छी बात है। और ये कीर्तन में गई थी, वहाँ से मेरे लिए समोसा भी लेके आई है, बट मेरा भी मन नहीं कर रहा है, बाद में खाऊंगा मैं। दोस्तों, आजकल हमारा जो कुत्ता है सैम, वो बीमार हो गया है एक्चुअली। और दोस्तों, उसको एक बीमारी लगी हुई है, एक वायरस है जो सीडी वायरस कहलाता है, कैनाइन डिस्टेम्पर नामक एक बीमारी हमारे कुत्ते को लग गई है। तो उसका भी इलाज चल रहा है, दवाई चल रही है, और सिम्टोमेटिक उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। वैसे इस वायरस का कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, और पहले शायद जब इसको शुरू में लाए थे तो हमसे ये चूक हो गई कि इसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई उस टाइप से, तो इसको एक वायरस वाली बीमारी हो गई है। देखिए, हमारा सैम की हालत काफ़ी ख़राब है। तो ये देख सकते हैं, सैम लेटा हुआ है यहाँ पर, और देखो ये अपना आप ही कांप सा रहा है। दोस्तों, इस तरीके की इसको बीमारी लगी हुई है। तो एनीवे दोस्तों, हम यही उम्मीद करते हैं कि सैम जल्द से जल्द सही हो जाएगा। सैम के लिए मैं दवाई भी ला रखा हूँ, ये उसकी सिरप है और टैबलेट मैंने सैम को दी हुई है, और सैम खाना भी थोड़ा बहुत खा रहा है। आई होप कि सैम धीरे धीरे सही हो जाए। दोस्तों, आप लोग भी यही दुआ करें कि जल्द से जल्द मेरा डॉग सही हो जाए। दोस्तों, आज के समय में जैसे कि मैंने पहले भी ये बताया अपनी वीडियो के माध्यम से कि हर रिश्ते एक स्वार्थ का है, हर रिश्ते में, लेकिन कभी कभी हमें ये लगता है कि ये जानवर जो होते हैं ना, ये हमारे सच्चे दोस्त होते हैं, सच्चे मित्र होते हैं। जब भी मैं आता हूँ स्कूल से, बाजार से, कहीं से भी, तो ये मेरे पास आ जाता है, क्योंकि इसको उम्मीद होती है कि इसके द्वारा ही मुझे खाना पीना मिलना है, मैं इसको खाना पीना देता हूँ। तो ये एक उम्मीद, आस उम्मीद होती है, क्योंकि इसका कोई स्वार्थ नहीं है। चाहे मैं इसको कोई चीज़ दूँ, एकदम से दूँ, बाद में दूँ, लेकिन ये मेरे लिए मतलब काफ़ी खुश रहता है जब भी मुझे देखता है सैम। अभी थोड़ा सा इसकी तबीयत ख़राब है, तो मुझे भी बहुत बुरा फील हो रहा है, क्योंकि ये भी हमारे फैमिली का एक मेंबर है पिछले 2.5 साल से। दोस्तों, तो ये जानवरों से भी हमारा लगाव होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इंसान ही है दुनिया में, इंसान में ज़्यादा स्वार्थ है। दोस्तों, कभी कभी जानवर निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करते हैं। ये कुत्ता है तो ये घर की रखवाली करता है, जब भी मैं आता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है, क्योंकि इसका एक उम्मीद होती है मेरे से। और ये अगर ऑब्वियस सी बात है कि कोई हमारे घर में आएगा तो ये काटने जरूर जाएगा, क्योंकि इसको कहीं जानवर को ये लगता है कि कहीं हमारे घर में चोरी करने ना आ जाए या किसी और वजह से ना आ जाए। तो ये कुत्ते भी बड़े वफादार होते हैं, और हमारा सैम काफ़ी वफादार भी है, काफ़ी अच्छा भी है, और मेरे काफ़ी क्लोज भी है। और इसके लिए मैंने थोड़ा सा ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा कि वैसे तो इस डिजीज़ की कोई मतलब पर्टिकुलर दवाई नहीं है, तो फिर भी उम्मीद करता हूँ कि सैम जल्दी से रिकवर हो जाएगा और बच जाएगा, क्योंकि इस डिजीज में मरने की पॉसिबिलिटी भी दोस्तों बहुत ज़्यादा रहती है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। मेरी यही दुआ है कि सैम जल्दी से जल्द सही हो जाए दोस्तों। और खाना भी सैम थोड़ा बहुत खा ही रहा है, बड़े प्यार से मैं उसको खिला रहा हूँ। और ये जानवरों से ही एक हमारा दोस्ती यारी ऐसी होती है कि जो निस्वार्थ भाव से ये लोग हमारा साथ देते हैं। दोस्तों, अगर मैं इसको डेली खिलाता पिलाता हूँ तो ये, इसको पता है कि ये मुझे खिला रहा है, क्योंकि इंसान को तो अगर हम कोई चीज़ उसके लिए अच्छा भी करें तो वो उसको समझ नहीं पाता है दोस्तों, ये ज़रूर है। इसीलिए जानवर इंसानों से बेटर होते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है उनमें। इंसान तो स्वार्थ है, हमेशा रोता ही रहता है, गिड़गिड़ाता ही रहता है इंसान कि मुझे ये नहीं मिला,
ऐसा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लोभ लालच ग्रीडीनेस, जानवरों में निस्वार्थ भाव से वो अपना काम करते हैं। चाहे कोई अपने कुत्ते को खिलाए या ना खिलाए, वो तभी भी जो है रखवाली जरूर करेगा घर की। हालांकि खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से सबको, बेवकूफ होते हैं वो लोग जो इस तरह के काम करते हैं कि नहीं खिलाते हैं जानवरों को, रख दिया पाल दिया उसको, खिलाते पिलाते नहीं है, लेकिन फिर भी तभी भी वो जो है निस्वार्थ भाव से उस घर की रक्षा करेगा। तो ये चीज जरूर होती है जानवरों में दोस्तों। बाकी दोस्तों ये है प्रियंका मेरी सिस्टर, यहाँ पे हंस रही है ये भी, और यह है मेरी वाइफ जो अभी भी जो है शीशा देख रही है इतने रात में भी, पता नहीं कौन सा श्रृंगार करना है, कहीं श्रृंगार करके तैयार होके जाना तो नहीं है आपको पार्टी शादी में? अरे मुझे जुखाम लग रखी है। अच्छा जुखाम लग रखी है तो शीशा देख के सही हो जाएगा जुखाम? कैसे हो जाएगा भाई, जुखाम लग रही है तो चेहरा देख रहे हो कि कैसा लग रहा है मेरा चेहरा, कहीं श्रृंगारा तो नहीं आ रहा मेरे नाक से, ये तो चेक नहीं कर रहे हो आप? अरे यार हद है। चलो दोस्तों इसी नोट पे हंसी खेलते खुश मिजाज के साथ जो है, सो फ्रेंड्स इसी के साथ आज के ब्लॉग की समाप्ति करते हैं एंड गुड बाय, टेक केयर दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप भी बोल दो ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बोलो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने बोल तो दिया। अच्छा चलो ठीक है।